मैं डॉक्टर ऐश्वर्या दुआ डर्मा वर्ल्ड के माध्यम से डॉक्टर रोहित बत्रा सर के साथ आज डिस्कस करना चाहती हूँ एलपीपी। सर एलपीपी क्या होता है, क्या आप हमें बता सकते हैं? देखिए एलपीपी यानी लाइकन क्लानो पिगमेंटोसिस। मैं दोस्तों खासकर महिलाओं और बहनों को बताना चाहता हूँ कि लाइकन क्लानो पिगमेंटोसिस एक तरीके की हाइपर पिगमेंटेशन यानी एक तरीके का कालापन है जो अक्सर शरीर के कई भागों पे देखा जा सकता है, जिसके अंदर सबसे कॉमन जो होता है वो फेस होता है। अब बहुत टाइम हमारे पास माताएं बहनें या लोग भाई लोग आते हैं जो कहते हैं कि जी उनको छाई हो गई है, जबकि वो छाई ना होके लाइकन क्लानो पिगमेंटोसिस होता है। इसके अंदर क्या होता है कि जगह जगह के ऊपर जैसे गले के ऊपर चेहरे के ऊपर ग्रेश ब्लैक पिगमेंटेशन बनती है जो कि नॉर्मल छाई या नॉर्मल हाइपर पिगमेंटेशन से ज़्यादा होती है, उससे ज़्यादा डार्क होती है और पैची होती है। अक्सर ये देखा गया है कि उन लोगों में होती है जो बहुत सारा कॉस्मेटिक्स यूज करते हैं, फेशियल क्लेंजिंग करवाते हैं, बहुत धूप में जाते हैं, अलग अलग तरीके के जो होम केयर प्रोडक्ट्स होते हैं जिसके अंदर चाहे वो होम रेमेडीज हो, दूध मिलाई, बेसन, फेशियल क्लेंजिंग, अलग अलग तरीके की जो हेयर कलर आते हैं, हेयर डाइज आती हैं, मेहंदी भी ये चीज़ें कर सकती है। तो ये चीज़ें जब आपकी बॉडी से रिएक्ट करती हैं, परफ्यूम्स रिएक्ट कर सकते हैं और सन एक्सपोजर होता है और आप कोई भी ऐसी चीज जो कि चेहरे पे आप घिसते हैं जो कि इरिटेट कर दे चेहरा, तो लाइकन क्लानो पिगमेंटोसिस बन सकता है। देखिए जहां तक लाइकन क्लानो पिगमेंटोसिस का सवाल है तो सबसे पहली बात आपको समझना पड़ेगा कि इसका ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा चलता है, ना केवल खाने की गोली लगाने की क्रीम, बल्कि आपके डर्मेटोलॉजिस्ट आपको बताएगा कि किस तरीके के ट्रीटमेंट्स होते हैं जो कि आपकी डेड डार्क स्किन ऊपर से रिमूव करते हैं। और उसके बाद आजकल हमारे पास जो लेटेस्ट लेजर्स हैं उससे ये पिगमेंटेशन कम हो सकती है, क्योंकि ये पिगमेंटेशन डीप होती है, ये टैनिंग नहीं है कि हफ्ते दो हफ्ते के अंदर चली जाए। लोगों को बहुत बड़ा धक्का लगता है जब उन्हें पता लगता है कि ये पिगमेंटेशन बहुत टाइम लेने वाली है, और ये पिगमेंटेशन कितना टाइम लेती है, कई बार 6-6, 8-8 महीने तो ट्रीटमेंट चलता ही है। तो लगाने के लिए ग्लाइकोलिक एसिड या ऐसी क्रीम जिसके अंदर ट्रेटिनॉइन होता है, उसके अंदर कोजिक एसिड होता है, हाइड्रोक्विनोन होता है, ये यूज होती है। अगर लाइकन क्लानो पिगमेंटोसिस चालू हुआ है जो कि अर्ली फेज होता है, उसके अंदर हम पिगमेंटेशन ना, क्योंकि लोगों को सबसे पहले लाली आएगी, खुजली होगी, तो हम पहले उसका इलाज करते हैं, पहले उसको रोकते हैं, थामते हैं, उसके बाद पिगमेंटेशन का ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। लगाने की क्रीम्स के साथ ओरल जो है उसके अंदर कई बार ओरल एंटीऑक्सीडेंट, ओरल आइसोट्रेटिनोइन भी दिया जाता है, जिसके लिए आपका डर्मेटोलॉजिस्ट कई टेस्ट कराएगा, आपकी हिस्ट्री लेगा, तभी वो दवाइयाँ दी जा सकती हैं। एकदम अपने आप लेने की, सेवन करने की दवाइयाँ वो नहीं होती हैं। साथ ही साथ जिस तरह मैंने बताया कि पील्स होती हैं, लेजर होते हैं जिसको क्यूसिज एनडीआई यूज करा जाता है, और उसके भी मल्टीपल सेशन लगते हैं जिससे कि ये धीरे धीरे लाइट होता रहता है। सन प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है, यदि आप सब कुछ कर रहे हैं, सन अवॉइडेंस नहीं कर रहे हैं, तो ये नहीं जाएगा, वापस आएगा। और यदि आपने जो चीजें यूज करी हैं जिनके अंदर मैंने जिस तरह बताया, हेयर कलर हो सकता है, हेयर ऑयल हो सकता है, ब्लीचिंग एजेंट्स हो सकते हैं, कॉस्मेटिक्स हो सकते हैं, आजकल जो होम केयर के नाम के ऊपर दुनिया बहुत सारे सीरम्स लगाती है, वो भी कई बार अगर रिएक्ट कर जाए तो लाइकन क्लानो पिगमेंटोसिस कर सकते हैं। इन चीजों को अभी छोड़ना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच सर हमें गाइड करने के लिए आज एलपीपी का।